मैडम क्या हुआ आपको? मैडम आप क्या बोल रही हो? आई डोंट अंडरस्टैंड। मेडिसिन चाहिए? पैसे? पहले मैं पैसे उठा लेता हूँ। मैडम मेडिसिन किसी और से उठा लेना, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं चलता हूँ। मैडम क्या हुआ आपको? इतने सारे पैसे, मुझे तो लॉटरी लग गए। हट, तुझे उठाने के चक्कर में इतने सारे पैसों से मुझे हाथ धोना पड़ेगा। हट। आइए, तो आप दोनों आए हैं शादी के लिए, बैठिए। जी मैडम। यस मैम। वैसे मुझे ये कहना होगा कि जिस रिश्ते के लिए आप लोग आए हैं उसके लिए आप लोग काबिल नहीं हैं। What do you mean? एक हस्बैंड में जो क्वालिटीज होनी चाहिए वो सब मुझ में है। अच्छा खासा बिजनेस है, करोड़ों रुपए कमाता हूँ, लड़की को किसी चीज की कमी नहीं होगी, और क्या चाहिए? मैम मैं भी अच्छे परिवार से हूँ, गुड लुकिंग हूँ, लाखों रुपए कमाता हूँ, आपको हमें क्या कमी नजर आएगी? खैर कुछ तो कमी होगी, तभी मैंने इतनी बड़ी बात कही। मैम हम बिल्कुल परफेक्ट हैं। अच्छा, तो मैं याद दिलाती हूँ आप लोगों को। पिंकी कम इन। क्या हुआ, सब कुछ याद आ गया? तुम दोनों मुसीबत में पड़ी एक लड़की को अगर छोड़ सकते हो तो मेरा ख्याल क्या ही रखोगे? होंगे आप गुड लुकिंग, कमाते होंगे करोड़ों, लेकिन जिस इंसान में इंसानियत नहीं वो इंसान किसका? तुम दोनों ना एक नंबर के लालची इंसान। अपने लालच के लिए तुमने मुझे छोड़ दिया। तुम दोनों के लिए पैसा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर सब तुम जैसे नहीं हो। तुम दोनों यहां से जा सकते हो, और हां मैंने अपना लाइफ पार्टनर चुन लिया। एक सेकेंड, उनसे मिलकर जाओ। वसीम, ये है मेरे फियांसे, और ये भी सुन लो कि मैंने इन्हें क्यों चूज किया है। अरे मैडम, मैडम क्या हो गया आपको? मैम आप उठो, उठिए उठिए, आप यहाँ बैठिए। क्या हो गया? दवाई दवाई चाहिए? ये लो मैम, ये पानी पीजिए मैम। आप ठीक तो हो ना? एक मिनट मैम, मैम ये आपके पैसे और दवाई। थैंक यू सो मच, आपने मेरी बहुत मदद की। मैम चलो आपको मैं घर तक छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं मैं खुद चली जाऊंगी, कोई बात नहीं। आपकी ऐसी हालत है, मैं आपको अकेले कैसे जाने दे सकता हूँ? आप चलो मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। ऐसे ही नहीं मानोगे, चलो। मैडम आई एम रियली सॉरी, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। सॉरी माई फुट, तुम्हारी वजह से किसी की जान चली जाए और तुम सॉरी बोल के निकल लो।
तुम्हारी बदकिस्मत होगी वो लड़की जो तुम दोनों से शादी करेगी। और हाँ, एक बात मैं और बता दूं, हम दोनों जल्दी शादी करने वाले हैं। सो तुम दोनों का अब यहाँ कोई काम नहीं है, निकल जाओ यहाँ से।